बहुत यूनिक सी, ना बेक करने का झंझट, ना ओवन का ना ओवन की जरूरत, ना कढ़ाई की जरूरत, ना बेकिंग करने का टाइम का झंझट। बहुत यम्मी, बहुत अच्छा सर, बहुत डिलीशियस क्रीमी केक, इसको हम मलाई केक भी कह सकते हैं। और ये बिगनर के लिए बहुत 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 अच्छा है जिनको केक बनाना नहीं आता। तो चलिए देखिए ये वीडियो, ये जगह खाली है क्योंकि ये हमारे बच्चे ने खा लिया है, उसको बहुत टेस्टी लगा। तो चलिए देखते हैं ये कैसे हमने बनाया है। तो देखिए पूरी रेसिपी, देखिए हमने लगभग लगभग एक लड्डू की रेसिपी डाली थी, उससे ही हमने लगभग दो रेसिपियां और बनाई, मतलब दो रेसिपियां बनाई हैं। ये आज हम बनाने जा रहे हैं वो दूसरी सेकंड रेसिपी है हमारी उसी लड्डुओं से। तो ये देखिए एक ग्लास पानी हमने लिया है, इसको हम हल्का सा वार्म करेंगे, बिल्कुल हल्का सा। देखिए गाइस ये हमने आज बनाया है आज हमने केक बनाया है ऐसा केक जिसमें ना बेकिंग का प्रोसेस है ना कोई दिक्कत है, ठीक है। बहुत अच्छे से बिगनर लेवल के लोग होते हैं जिनको कुकिंग करनी बिल्कुल नहीं आती है वो भी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बनाएंगे इन दो लड्डुओं से केक। तो देखिए कैसे बनाते हैं, ये देखिए पानी हमारा वार्म हो गया है, तो अब हम फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर देंगे, ठीक है। और इसमें ये डालेंगे मिल्क पाउडर और हल्का सा हल्का हल्का डालेंगे और ऐसे घोलते रहेंगे जिससे कि इसमें गांठें बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। ऐसे ऐसे करके डालेंगे, गांठें नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। और आप अच्छे से इसको हम मिला लेंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए हमारा घुल चुका है दूध पाउडर। तो इसको हम फ्लेम को फुल कर लेंगे, लेकिन चलाना बिल्कुल बंद नहीं करना है क्योंकि ये हमारा दूध पाउडर है, ठीक है। तो ये हमारा तली में चिपक सकता है। ये देखिए 2 मिनट हो चुका है, ठीक है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 स्पून घी ऐड करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास मलाई रखी हुई है तो आप 2 से 3 स्पून मलाई ऐड कर सकते हैं। अब हमारे पास मलाई नहीं रह गई थी, खत्म हो गई थी, तो इस वजह से हमने घी ऐड किया है इसमें, ठीक है। क्योंकि दूध में अपना कोई चिकनापन ज्यादा नहीं होता है पाउडर वाले दूध में, इस वजह से हमको मलाई ऐड करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये हमने ऐड किया है, अब इसको बॉयल तक आने तक पका लेंगे कि हमारा बॉयल आ जाए। एक बात और गाइस, अगर आपके पास ये लड्डू नहीं है तो आप मखाने पीस के ऐड कर सकते हैं। मखाने भी नहीं है अगर आपके पास तो आप डाल सकते हैं कॉर्न स्टार्च, और नहीं अगर वो भी नहीं है आपके पास तो फिर आप थोड़ा सा हल्का सा मैदा मिला लीजिए, कॉर्नफ्लोर, कॉर्न स्टार्च और मैदा, ये आप कुछ भी मिला सकते हैं, ठीक है, गाढ़ा करने के लिए दूध को। या दूध पाउडर से ही, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, दूध पाउडर है सिर्फ और कुछ भी नहीं, तो आप दूध पाउडर की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा कर लीजिए बस। ये देखिए बस ये हल्का हल्का सा बॉयल सा पत्ता चल रहा है, ठीक है। तो अब इसमें हम दूसरी चीज ऐड करेंगे, देखिए छोड़िएगा बिल्कुल मत वरना लग जाएगा। ये देखिए चीनी, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार चीनी ले लीजिए, जितना आप मीठा खाते हो। हमने लिया हुआ है नॉर्मली 4 स्पून चीनी, ठीक है। जो घर में रोज खाने वाली नहीं, चम्मचे आती है, स्पून आते हैं, जो बड़े स्पून आते हैं उन्हीं को हमने ले लिया है, ठीक है। और ये देखिए अब ये दो लड्डू जो हमने बनाए थे वो हम ऐड करेंगे। अब इसी टाइम पर आप कॉर्न स्टार्च डाल सकते हैं, या मक्के का आटा, या चावल का आटा, या फिर मखाने पीस के इसी टाइम पर आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा कुछ नारियल, तो हम इसमें कुछ नारियल डाल देंगे पाउडर, ठीक है। ये घर का ग्रेट किया हुआ नारियल है, ये हमने डेकोरेशन करने के लिए रख लिया है। तो अब इसको हम पका लेंगे, गाढ़ा होने तक इसको पकाएंगे। ये देखिए गाइस अब इसको हम बंद कर देंगे क्योंकि देखिए इसमें और कोई फ्लेवर नहीं डालेंगे। अगर आपके पास लड्डू नहीं है तो आप इलायची और हल्दी की जगह पर आप केसर भी ऐड कर सकते हैं, या फूड कलर भी यूज कर सकते हैं। देखिए ये हमारा अच्छे से हो गया है, ठीक है। अब हमने इसको पतला रखा है, ठीक है। अगर आप कॉर्न स्टार्च वगैरह डालते हैं ना तो थोड़ा सा हो सकता है कि आप जिस चीज पर हम ये लगाएंगे अभी तो हो सकता है वो ना ले, मतलब उसमें आपको चाशनी की जरूरत पड़े, बट हम चाशनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा ऑलरेडी थोड़ा सा पतला है, ठीक है। तो इसको अच्छे से
अब इसको ऐसे ही करते, ये देखिएगा इसको हम अब ठंडा करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा इतना मतलब गर्म नहीं चाहिए, इतना ठंडा हो जाए कि हमारा हाथ इसको बर्दाश्त करे, क्योंकि जिस बर्तन में हम इसको करेंगे काम इस्तेमाल करेंगे, इसका मेन इंग्रेडिएंट अब अभी आपको हम दिखाते हैं। ये देखिएगा ये हमारा मेन इंग्रेडिएंट है जो कि अभी निकालते हैं आपको। ये देखिएगा ये है मेन इंग्रेडिएंट। अगर आप कॉर्न स्टार्च वगैरह डालेंगे और आप अगर इस देखिए इसमें अभी कोई चिकनापन या नहीं है क्योंकि ये रबड़ी की तरह बना हुआ है, ठीक है, और अगर आप कॉर्न स्टार्च डालते हैं ना तो वो एक अजीब सा चिपचिपा चिकना टाइप का रहता है, तो उसमें मॉइस्ट बहुत कम हो जाता है, तो उसके लिए हमें चाशनी बनानी पड़ती है। तो हम बताएंगे अभी बात चाशनी कब लगानी होगी, फिलहाल हमने चाशनी नहीं लगाई है क्योंकि हम इसको ऐसे ही स्प्रेड करेंगे, क्योंकि इसमें इतना मॉइस्चर है कि इससे ये हमारा जो केक बनेगा बहुत अच्छा और बहुत यम्मी बनेगा। तो देखिएगा हम कैसे करते हैं, ये देखिएगा इस तरह का जो डिब्बा आता है मिठाई वगैरह में आता है सबके घर में होता है आराम से, ठीक है, तो आज इसका इस्तेमाल करेंगे, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये देखिए इस तरह का, तो इसमें हम लगाएंगे अपने रस, ये देखिए इसको हम ऐसे करेंगे, ठीक है, ये देखिए इस तरह से लग गया, ठीक है, सेट कर देंगे अच्छे से, और इसको हम इस तरह से नहीं आ रहा है तोड़ देंगे, ठीक है, तोड़ने पे आ जाएगा इस तरह से, क्योंकि वो तो वैसे भी हमको तोड़ना है, तो अच्छे से ऐसे ही लगा लेंगे इस तरह से करके सारा हम, ये एक लेयर हो चुकी है, ये इस तरह से सेट करते रहेंगे, मतलब फिल कर लेंगे पूरा सब इसको, ठीक है, ये देखिए इस तरह से। अब जब हमें जैसे अगर आपने कॉर्न स्टार्च का इस्तेमाल किया है और इतना ज्यादा उसमें मॉइस्चर नहीं है, ये देखिए इसमें जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए इसमें दूध सा है तो इससे ये मॉइस्चर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, तो इसमें हम नहीं लगा रहे हैं। अगर आप कॉर्न स्टार्च वगैरह डाल के बनाते हैं तो इसके ऊपर आप पहले हल्का सा चाशनी बना लीजिए, वो स्प्रेड कर लीजिए, उसके बाद में ये लगाइए। तो हमने चाशनी नहीं इस्तेमाल करनी है, हम इसके ऊपर इसको ऐसे फैला देंगे इसी तरह से, ठीक है, एक लेयर ऐसे अच्छे से सब की ऐड करेंगे, ये देखिए, ठीक है, देखिए उसी लड्डू से बना हुआ है तो आप देख सकते हैं वो लड्डू कितने कमाल के हैं, ठीक है, इस तरह से अच्छे से स्प्रेड करेंगे, थोड़ा सा गर्म ही रहेगा ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये देखिए। और अब देखिए इसके ऊपर एक लेयर हम और इसको ऐसे लगाएंगे, ठीक है, अच्छे से इस तरह से, तो हम सारा लगाते हैं कि मिलते हैं, ये देखिए गाइस अब हम फिर से इस पर एक लेयर बिछाएंगे इस तरह से, इस तरह से, अच्छे से कोट करना है, ये देखिए गाइस पूरा का पूरा बन चुका है, आप देख सकते हो इतना प्यारा लग रहा है देखने में ही। और आप लेयर दिखाते हैं इसकी, ये देखिए गाइस टू लेयर बनाई है, टू लेयर दिख रही है, ये देखिए नीचे से नीचे फर्स्ट फिर सेकंड लेयर, तो कितनी प्यारी लग रही है और कितना यम्मी लग रहा है, तो सोचिए इतनी आसानी से केक बन के रेडी हो चुका है। तो देखिए गाइस अब इसको हम रखेंगे कम से कम 2 से 3 घंटे, क्योंकि जो इसके अंदर का जूस है वो हम उससे हमारा सारे रस जो है वो मॉइस्ट हो जाए, अच्छे से नरम हो जाए, तो इसको हम अब गार्निश करेंगे। तो ये रहा हमारा नारियल, ठीक है, तो थोड़ा सा नारियल से हम अच्छे से गार्निश कर देंगे, ये देखिए क्या देखिए। और अब हम अपने कैरमल क्रंच से इसको थोड़ा सा गार्निश करेंगे, ये देखिए, जो कि हमने केक वाली वीडियो में बताया है ये कैरमल क्रंच बनाना, तो आप लोग देख लीजिएगा, ये देखिए इसको हम कितना प्यारा लगा बनाते हैं कैरमल से, और जो इसका कैरमल का जो क्रंच होगा वो एकदम से क्रंची क्रंची मुंह में जब लगेगा ना तो जो टेस्ट आएगा, और बच्चे तो बिल्कुल खुश होने वाले हैं क्योंकि इस समय लॉकडाउन है, कहीं भी बच्चे जा नहीं पा रहे हैं, बाहर का कुछ खा नहीं पा रहे हैं, तो ये आराम से वो खा सकते हैं बिल्कुल घर का बना हुआ,
टेस्टी यम्मी आप किसी भी बर्थडे पार्टी में बनाइए और बच्चों को खिलाइए। तो अब इसको हम रखते हैं, बंद करेंगे इसको और फ्रिज में रख देंगे। शायद हाँ 2 से 3 घंटे के लिए इसको रखेंगे, जिससे कि ये सारा अच्छे से नर्म हो जाए। तो मिलते हैं 2 से 3 घंटे के बाद। ये देखिए गाइस 2 से 3 घंटे हो चुका है और ये देखिए इसको देखिएगा, काट रहे तो कितना अच्छे से ये कट रहा है। ये देखिए आप लोग, इतना सॉफ्ट है। देखिए आपके सामने हम कट कर रहे हैं, ये देखिए इसके कटने से ही आपको पता चल रहा होगा कि कितना यम्मी होगा ये। ये देखिए, तो इतना इजी है ये केक बनाना। तो चलिए निकालते हैं इसको। ये देखिए गाइस कट चुका है, तो इसको हम निकालते हैं। सावधानी से निकालना है बिल्कुल। ये देखिए, ये देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, इतना यम्मी। इस कटोरी में रखते हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं। तो ये एकदम बिगनर के लिए बहुत 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 यूनिक रेसिपी है। जिनको केक बनाना नहीं आता है, जिनको ज्यादा कुछ नहीं करना आता है केक में, तो बस फटाफट बनाइए और सर्व कर दीजिए इन केक को। और एक बार चलिए आपके पास मानते हैं, अगर जैसे लड्डू जैसे हमने बनाया था नहीं है, 2-3 आपको ऑप्शन दे देते हैं। जैसे आपके पास लड्डू नहीं है तो आप मखाने को भूनिए, भूनने के बाद में अच्छे से महीन पीस लीजिए। उसके बाद में जब दूध हम बॉयल कर लेते हैं, उसके बाद में हमें वो लड्डू, जब हम लड्डू डालते हैं उसी टाइम पर हमें मखाने का पाउडर डाल देना है। और अगर मखाने भी नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर या फिर कॉर्न स्टार्च वगैरह डाल सकते हैं, ठीक है। और आप इस तरह से बना सकते हैं बिल्कुल यम्मी केक। और देखिए कितना जूसी है, ये देखिए उसमें मजा आ जाएगा। आपको लगेगा नहीं बिल्कुल खाने पर कि आपने कुछ और खाया है, यही लगेगा बिल्कुल मलाई केक खाया है हमने। तो आज की हमारी ये रेसिपी अगर पसंद आया आपको तो प्लीज प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।